नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी लोगों का इस मेगा इवेंट में मैं मेरी और एनएसआई टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ। पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम अदिति मिस्त्री है और मैं अहमदाबाद से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन मैं आईटी इंजीनियर हूँ और एक बढ़िया सी एमएनसी कंपनी में काम करती हूँ। राइट, सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगी कि आज किस किसने मैच देखा? आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। आई गेस किसी ने मैच नहीं देखा आज। ओके, सो आर यू ऑल एक्साइटेड कि आज इंडिया की जीत हुई? यस, किंग कोहली, इंडिया वॉन। आप सब लोग चैट बॉक्स में इंडिया टाइप कर सकते हो। इवेंट की शुरुआत करते हुए हम 2 ही मिनट में जल्दी से ये इवेंट की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आप जल्दी से अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जिस किसी को भी आपने इनवाइट किया है, जल्दी से उनको कॉल करके बुला लीजिए, क्योंकि आज यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा दिवाली धमाका होने वाला है। राइट, तो वो मिस नहीं करना चाहिए। अब जल्दी से उनको बुला लीजिए। तब तक के लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हाउस द दिवाली जोश? दिवाली की प्रिपरेशन कैसी चल रही है सबकी? बहुत मस्त, ग्रेट, सुपर, सुपर। सो फ्रेंड्स, पहले मैं बहुत ही दिल से आप सबका शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आज संडे था और दिवाली भी है, फिर भी आप लोग ने इतना वक्त निकाला ये इवेंट को अटेंड करने के लिए। तो आप सभी को लिए थैंक यू, और आप सभी के लिए एक बार जोरदार डिजिटल क्लैपिंग हो जाए। बैकबोन टीम, कैन वी हैव सुपर म्यूजिक प्लीज? बैकबोन टीम, सुपर। सो आज यहाँ पे हम बहुत ही कुछ पावरफुल इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं दोस्तों। इस इंफॉर्मेशन से हो सकता है कि आज आपकी लाइफ का ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इस इंफॉर्मेशन से बहुत से लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। राइट, तो हो सकता है आपकी भी बदल सकती है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि पूरा नेक्स्ट 1 आवर है, आप यहाँ पे फोकस करके बैठिए, फोन साइलेंट कर दीजिए, बुक, बॉटल, पेन जो लेना है वो लेके बैठिए, ताकि आप जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट डाउन कर सके। ठीक है, कुछ भी आपको डाउट्स है तो आप आपको जिसने भी इनवाइट किया है उनको आफ्टर सेशन आप उनको पूछ सकते हो। ओके, सो दोस्तों, आर यू ऑल एक्साइटेड? कैन यू प्लीज टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स? यस, सुपर। सो हमारा जो इवेंट है आज, हम 2 पार्ट में करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज हेल्थ एंड सेकेंड इज वेल्थ। यस, तो हम फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हुए हेल्थ के लिए, हम सबको पता है कि हमारी हेल्थ जो है वो सबसे बड़ी दौलत है। राइट, क्या आप मानते हो हमारी हेल्थ सबसे बड़ी दौलत है हमारी? यस, तो इसका एहसास हमें कब होना होने लगता है? जब हम खोने लगते हैं उसको। राइट, तो आप सभी को पता होगा कि सबके घर में कोई ना कोई बीमारियां आती रहती है। राइट, तो आप क्या मुझे बता सकते हो कौन सी ऐसी बीमारी है जो सबके घर में है आज? एसिडिटी, ओके, बीपी, डायबिटीज, कैंसर, हाई बीपी, ओके, आईसीएस ऑफ रिस्पॉन्स,
राइट. तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारी हेल्थ को हमें सेफली रखना चाहिए? राइट. इसी के लिए आज हमारे लिए हमारे साथ एक पावरफुल लेडी आ रही है. ओके. जो हमें इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करेगी. उनके बारे में मैं बताऊं तो वो खुद एक डॉक्टर है. ओके. अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं वो, और एक जानी मानी अहमदाबाद की GCS हॉस्पिटल है, उनमें वो इंटर्नशिप करते हैं. राइट. और अभी के लिए वो एक अद्भुत रिसर्च कर रहे हैं जो कि है लंग्स कैंसर. राइट. लंग्स कैंसर और स्किन इन्फेक्शन पे वो अभी रिसर्च कर रहे हैं. राइट. तो दोस्तों आर यू एक्साइटेड उनको सुनने के लिए? तो वो ऐसे ही नहीं आने वाले. उसके लिए आपको एक डिजिटल क्लैपिंग करना पड़ेगा, जोरदार डिजिटल क्लैपिंग करना पड़ेगा. और सो प्लीज हेल्प मी टू इनवाइट डॉक्टर देवल राणा. गुड मॉर्निंग गाइस. आप सब मुझे सुन पा रहे हो ना अच्छे से? यस मैम. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देवल राणा अहमदाबाद से बिलोंग करती हूँ. एंड थैंक यू सो मच आप सबके लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल इतने अच्छे कमेंट से मेरा वेलकम किया इसके लिए. और स्पेशल थैंक्स टू अदिति मैम फॉर दिस वंडरफुल ब्यूटिफुल इंट्रोडक्शन. एंड नेक्स्ट मैं मेरे और पूरे NS इंटरनेशनल टीम की तरफ से आप सभी को विशिंग यू अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली. मतलब ये दिवाली आप सबके लिए बहुत धमाकेदार हो ऐसा मैं चाहती हूँ. और स्टार्ट करने जाएं तो अदिति मैम ने जैसे बोला कि आप सब हेल्थ रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने आए हो और मैं आपको हेल्थ रिलेटेड बात करने आई हूँ, तो क्या आप सबको पता है कि आपकी हेल्थ की वैल्यू क्या है? आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? प्लीज चैट बॉक्स में आंसर देना. ओके. सो जो हेल्थ रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन लेने आए हो, मेरा पहला आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या आपको आपके हेल्थ की वैल्यू पता है? इन टर्म्स ऑफ मनी कितने रुपए में मतलब हमारी बॉडी बिकेगी? ये सवाल बहुत रॉन्ग है आई नो, बट फिर भी आपको आंसर देना पड़ेगा. आप अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख सकते हो. हाँ, कुछ लोग करोड़ों में आंसर लिख रहे हैं, कुछ लोग लिख रहे हैं कि हाँ इसका कोई मोल नहीं है. लेकिन साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसकी वैल्यू है 337 करोड़ रुपीज. लेकिन इसके साथ एक दूसरा क्वेश्चन भी आता है कि क्या 337 करोड़ रुपीज की ऐसे प्रीशियस चीज का आप ध्यान रखते हो? नहीं ध्यान रखते, क्योंकि अभी हम सबका फोकस किस पे है? वेल्थ क्रिएशन करने में है, मतलब कहाँ से पैसा घर में आए. लेकिन उसमें हम ये भूल रहे हैं कि हमारी हेल्थ ही हमारी रियल वेल्थ है. हमारी बॉडी अगर अच्छी होगी तो पैसा हम कभी भी कमा सकते हैं. एम आई राइट? यस. सो हमारा पहला फोकस किस पे होना चाहिए? हमारी बॉडी पे और हमारी बॉडी की नीड्स पे. अभी हमारी बॉडी की नीड्स क्या है? तीन बेसिक नीड है, हवा, पानी और खुराक. राइट. हवा हम सबको पता है कि वो पॉल्यूटेड है, लेकिन हमारे पास उसको चेंज करने का कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है ना. हम उसको इनहेल कर ही लेंगे क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है. दूसरा है हमारा खुराक. हम जो मार्केट से सब्जियां फ्रूट्स लाते हैं वो पूरा पॉल्यूटेड है, मतलब वो पेस्टिसाइड से भरा हुआ है, जर्मीसाइड उसमें होते हैं. लेकिन क्या हम खेती करने जा सकते हैं? नहीं जा सकते ना. तो वो भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है हमारा पानी. जल ही जीवन है, हम सबको पता है. पानी हम पॉल्यूटेड पानी में से चेंज कर सकते हैं. वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ. और हमारा पानी क्यों चेंज करना चाहिए? क्योंकि हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी है. ये 70% वाला फंडा हम सबको पता है. लेकिन क्या हम सबको ये पता था कि ये स्क्रीन पे जो हमारे ऑर्गन्स दिखाए गए हैं, हमारे बॉडी के जो अंग दिखाए गए हैं,
वो 60% से ज्यादा पानी से बने हैं। इसका डायरेक्ट मतलब क्या हुआ कि अगर हमें हमारी बॉडी के इन ऑर्गन्स को काम करते हुए रखना हो, हेल्दी रखना हो, तो हमें उतनी ही अमाउंट का अच्छी क्वालिटी का पानी उसको देना पड़ेगा। लेकिन हम सबका फोकस किस में है? फूड में। मतलब हम समझते हैं कि हमारा जो 30% पार्ट है फूड, ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। लेकिन हम हमारे 70% पार्ट को तो भूल रहे हैं ना। तो हमारा पहला फोकस 70% पार्ट जो हमारा पानी है उस पे होना चाहिए, लेकिन हमारा फोकस उस पे नहीं है, इसीलिए हमारी बॉडी में अलग-अलग बीमारियां आने के चांसेस बढ़ रहे हैं। उसको साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अभी ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या है? स्लाइड में आपको एग्जांपल दिया गया है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को आप खुली हवा में पॉल्यूटेड ऑक्सीजन में छोड़ दोगे तो वो काला पड़ जाएगा। वैसे ही सेम प्रोसीजर हमारे बॉडी के साथ होती है। पॉल्यूशन हमारी बॉडी को खराब कर रहा है और इसीलिए उम्र बढ़ना, बीमारियां होना, ऐसी नई नई प्रोसेस हमारी बॉडी में एज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस दिखती है। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस रिवर्स करने के लिए क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स है, फ्री रेडिकल्स है ना, उसको वो यूरिन के थ्रू बाहर निकालता है, इसीलिए हमारी बॉडी एंटीऑक्सीडाइज होती है। अभी एंटीऑक्सीडेंट फूड के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको स्लाइड पे दिख रहे हैं। बनाना, एप्पल, कैरेट, पंपकिन, ग्रीन टी, ये सब एंटीऑक्सीडेंट के एग्जाम्पल तो है। लेकिन मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि आप अपनी डेली लाइफ में 15 मिनट के गैप पर एक ग्लास ग्रीन टी पी सकते हो? आप यस और नो जवाब देना। ग्रीन टी पी सकते हो? नहीं पी सकते, इट इज नॉट फिजिबल फॉर अस। बट 15 मिनट पे एक ग्लास पानी पी सकते हो? ऑफ कोर्स, एक ग्लास हम पानी पी ही सकते हैं। इसीलिए हमारा जो डिवाइस है वो है कैंगन वाटर। कैंगन एक जैपनीज वर्ड है जिसका मतलब है रिटर्न टू ओरिजिन। अभी रिटर्न टू ओरिजिन मतलब हमारे जो पूर्वज थे बहुत हेल्दी जीते थे, लंबा जीते थे, उसी राह पर हम चले। और यहाँ पे एक छोटे बेबी का आपको क्यूट सा पिक्चर दिख रहा होगा, राइट? उसके पीछे भी एक स्पेशल मैसेज है। क्या जानना चाहोगे? जानना चाहोगे कि इसके पीछे क्या मैसेज है? ओके, तो इसके पीछे ये मैसेज है कि हम सबको पता है कि कोविड पैंडेमिक में सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड हमारे बुजुर्ग लोग हुए थे और सबसे कम इन्फेक्टेड बच्चे लोग हुए थे। क्योंकि बच्चे का जब जन्म होता है तब उसका बॉडी फुल ऑफ एंटीऑक्सीडाइज होता है, इसीलिए उसकी इम्यूनिटी पीक पे होती है। इसकी वजह से इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे जैसे वो बच्चा पॉल्यूशन के कांटेक्ट में आना चालू करता है, उसकी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है। समझ गए हो आप? ओके, तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एंटीऑक्सीडेशन। इस स्लाइड में हमारे एक ग्लास कैंगन वाटर के एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी का कंपैरिजन दूसरे एंटीऑक्सीडेंट फूड के साथ किया गया है। मतलब एक ग्लास 9.5 कैंगन वाटर इज इक्वल टू 756 बनाना। ओ माय गॉड, इज इट पॉसिबल? मतलब पूरे साल के हम 756 बनाना नहीं खाते होंगे, राइट? एक दिन की बात तो आप जाने ही दो। अभी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी क्या है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक यूनिट है, वो है ओआरपी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। अब जीरो से जैसे आप प्लस में जाओगे, वो प्लस में ओआरपी आपका ऑक्सीडाइज फॉर्म दिखाएगा। मतलब वो ज्यादा ऑक्सीडाइज है, जो जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, हमारी बॉडी में डिसीज क्रिएट करता है। और जैसे ही आप जीरो से माइनस में जाओगे वो एंटीऑक्सीडाइज है, मतलब वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। यहाँ पे दोनों के आपको एग्जाम्पल दिखे हैं, राइट? अभी आप देखोगे तो एंटीऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज फूड में हमारे पास सिर्फ 300 तक की लिमिट है। कभी साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारे बॉडी में जो डिसीज्ड सेल होता है, हमारे बॉडी में जो डिसीज्ड सेल होता है ना, उसको -50 ओआरपी चाहिए हेल्दी में कन्वर्ट होने के लिए। मतलब अगर वो उसमें कुछ बीमारियां हुई है तो उसको -50 ओआरपी चाहिए हेल्दी में कन्वर्ट होने के लिए। अभी हमारी बॉडी में कितने सेल्स है? बिलियन ट्रिलियन सेल्स है, राइट? तो उसको क्या -300 ओआरपी कम नहीं पड़ेगा?
ऑफ कोर्स वो कम पड़ेगा, इसीलिए हमारे कैंगन डिवाइस में है -450 से -850 जितना ओआरपी। वाओ, राइट। अब कैसे हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे? बैकबोन टीम प्लीज स्पॉटलाइट द लाइव डेमो। ओके, सो अब हम एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। हमारे पास बॉटल्ड वाटर है, उसमें आप आरओ वाटर या कोई भी फिल्टर्ड वाटर ले सकते हो, और दूसरे में है हमारा 9.5 पीएच। अभी दोनों ग्लास में हम पानी डालेंगे। पहले ग्लास में है हमारा बॉटल्ड वाटर और दूसरे ग्लास में है हमारा एंटीऑक्सीडाइज्ड कैंगन वाटर। अभी ये ओआरपी चेक करने के लिए हमारे पास टेस्टर होता है फिनोफ्थैलीन, जो कलर इंडिकेट करता है। अगर कोई भी कलर चेंज नहीं आता है उसका मतलब ये है कि प्लस में ओआरपी है, और अगर कोई भी कलर चेंज होगा तो वो माइनस में ओआरपी है। पहले आप बॉटल वाटर में डालिए, सी कोई कलर चेंज नहीं हुआ है। अब कैंगन वाटर में डालिए, लुक एट दिस ब्यूटिफुल पिंक कलर। यू कैन सी गाइज, लाइक -850 ओआरपी इसमें प्रेजेंट है। ये परफेक्ट पिंक कलर इसकी वजह से आया है। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन हुआ हमारी पहली प्रॉपर्टी एंटीऑक्सीडेशन का। थैंक यू सो मच। अभी हम हमारी दूसरी प्रॉपर्टी पर जाए, उससे पहले हम एक साइंटिफिक थोड़ा देख लेते हैं कि दूसरी प्रॉपर्टी है क्या। अभी डॉक्टर ऑटो हैनरिच वर्बर, जिन्होंने कैंसर की कॉज की इन्वेंशन की थी, मतलब कैंसर क्यों होता है वो उन्होंने इन्वेंट किया था 1923 में, और 1931 में उसको उसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। अभी उनका स्टेटमेंट क्या है कि कैंसरियस टिश्यू जो होती है ना वो एसिडिक होती है, और हेल्दी टिश्यू होती है ना वो अल्कलाइन होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी में जो भी बीमार ऑर्गन है या बीमार सेल है उसको अगर हेल्दी में कन्वर्ट होना होगा तो उसको अल्कलाइन नेचर चाहिए। लेकिन हमारे पास हमारी बॉडी का अल्कलाइन नेचर अभी पूरा खत्म हो चुका है ड्यू टू आवर लाइफस्टाइल। क्या कोई भी ऐसा यहाँ पे दावा कर सकता है कि वो पूरा हेल्दी फूड खा रहा है? नहीं खा रहा है ना। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल क्या है, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स एंड हवा का पोल्यूशन, ये सब मिला के हम पूरे टोटली एसिडिक हो चुके हैं। अभी हमारे पास उसको अल्कलाइन करने का एक ही ऑप्शन है, वो है हमारा 70% पार्ट, जो कि है हमारा वॉटर। इसीलिए हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है अल्कलाइजेशन। अभी यहाँ पे एक स्पेसिफिक कंसिडरेशन में आप सबका ध्यान उस पे दौड़ना चाहूंगी कि हमारा जो डिवाइस है ना वो अल्कलाइन वाटर नहीं देता है, हमारा डिवाइस अल्कलाइज्ड आयोनाइज्ड वाटर देता है। दोनों में क्या डिफरेंस है? अल्कलाइन वाटर होता है वो आप किसी भी तरह से बना सकते हो, मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम ड्रॉप्स डाल के आप उसको अल्कलाइन कर सकते हो, लेकिन वो कैल्शियम मैग्नीशियम ड्रॉप आपके बॉडी में जाके तो रीनल स्टोन क्रिएट करेगा, आपकी किडनी खराब करेगा, तो वो हमारे लिए तो हार्मफुल है, इसलिए अल्कलाइन वाटर इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। लेकिन हमारा जो अल्कलाइज्ड आयोनाइज्ड वाटर है वो डिवाइस की प्लेटिनियम कोटेड टिटेनियम प्लेट्स पे आयोनाइजेशन इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से जनरेट होती है। इसका मतलब इसमें कोई भी बाहर से केमिकल ऐड नहीं किया है, इसीलिए वो हेल्दी नेचुरल अल्कलाइज्ड वाटर है जो हमें पीना चाहिए, राइट। अभी यहाँ पे हम अल्कलाइजेशन के लिए हमारे पास पीएच स्केल है, 0 से 14 तक का स्केल होता है। 7 से जैसे आप आगे बढ़ोगे वो अल्कलाइनिटी दिखाएगा, 7 से जैसे आप नीचे जाओगे वो एसिडिटी दिखाएगा। अब हम हमारा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। बैकबोन टीम प्लीज स्पॉटलाइट द लाइव डेमो। अभी यहाँ पे एक अवेयरनेस के रूप में हम कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स भी ले रहे हैं, मतलब थैंक यू सो मच। कोल्ड ड्रिंक्स भी यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं। किन किन लोगों को पता भी होगा कि वो बहुत हानिकारक है, लेकिन कैसे हानिकारक है वो हम देखेंगे। अभी हम हमारे फर्स्ट ग्लास में लेंगे एक कोल्ड ड्रिंक, सेकेंड ग्लास में हम लेंगे हमारा बॉटल्ड वाटर और आरओ वाटर, आप कुछ भी ले सकते हो, और थर्ड ग्लास में हम लेंगे हमारा अल्कलाइज्ड 9.5 पीएच वाटर। अभी इस पीएच को टेस्ट करने के लिए पहले लिटमस पेपर यूज होता था, आप सबको पता है, लेकिन अभी
पीएच पेपर, मतलब उसका लिक्विड फॉर्म यूज होता है, अभी उसका जो कलर चेंज आएगा उससे आपको उसके पीएच का पता चलेगा। पहले आप कोल्ड ड्रिंक में डालिए ये पीएच टेस्टर। ओ माय गॉड, लुक एट दिस रेड कलर, 1.5 पीएच, मतलब इसीलिए इसको टॉयलेट क्लीनर बोला जाता है। लाइक वी हैव टू अवेयर अबाउट दिस, क्योंकि अभी हमारी जो यंग जनरेशन है वो कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ बहुत आगे बढ़ रही है, तो उनको ये ध्यान देना चाहिए। अभी आप दूसरे ग्लास में डालिए जो हमारा बॉटल्ड वाटर है, उसकी पीएच है लगभग 5.5 to 6, मतलब येल्लोइश ग्रीन कलर जो दिख रहा है आपने जो पीएच चार्ट में देखा था। और अभी हम हमारा थर्ड ग्लास में डालेंगे जो कि है हमारा अल्कलाइज्ड वाटर। लुक एट दिस ब्यूटिफुल ब्लू कलर यार, इसके लिए तो यार थोड़े वर्ड्स तो बोल दो, इतना अच्छा ब्यूटिफुल ब्लू कलर अल्कलाइज्ड वाटर मिल रहा है आपको, इट इज अमेजिंग राइट। थैंक यू सो मच। अभी हमारी जो दो प्रॉपर्टी तो हो गई, लेकिन हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है, मेजर प्रॉपर्टी है जिसको आप सभी को समझना होगा, वो है उसका मैं आपको अगर सिंपल एग्जांपल दूं तो आप कितना भी पानी पी लो, कितनी भी अच्छी क्वालिटी का पानी पी लो, बहुत सारे अमाउंट में पानी पी लो राइट, लेकिन वो आपके सेल में नहीं जाएगा, मतलब आपके जो कोश होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उसमें नहीं पहुंचेगा, तो क्या वो इफेक्ट देगा? नहीं देगा राइट। इसीलिए डॉक्टर विक्टर रियोस, जिन्होंने बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में पीएचडी की है, उन्होंने ये प्रूव किया है कि फिल्टर्ड वाटर, बॉटल्ड वाटर एंड टैप वाटर हमारी बॉडी में सिर्फ 15-20% ही एब्जॉर्ब होते हैं, मतलब बाकी का 80% निकल जाता है कुछ भी इफेक्ट दिए बिना। लेकिन हमारा कैंगन वाटर 85-95% एब्जॉर्ब होता है, क्यों? ड्यू टू इट्स माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी। अभी माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी क्या है, इसका सिंपल एग्जाम्पल मैं ये दूंगी कि अगर एक दरवाजा है, उसमें से अगर 15 लोगों को एक साथ अंदर जाना होगा तो क्या वो जा पाएंगे? यस और नो? नहीं जा पाएंगे, एक या दो लोग ही अंदर जाएंगे, बाकियों को बाहर निकलना पड़ेगा। सेम वैसा ही सिचुएशन हमारे सेल के साथ होता है। हमारे सेल का जो एंट्रेंस है, जो गेट है, वहां से 15-20 मॉलिक्यूल का बड़ा पानी जो अभी हम पी रहे हैं वो अंदर जा ही नहीं पाता है, बाकी का 85% पार्ट यूरिन से बाहर निकल जाता है कोई इफेक्ट दिए बिना। लेकिन हमारे डिवाइस में जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है, आयोनाइजेशन होता है प्लेट्स पे, उस पे 15-20 मॉलिक्यूल का बड़ा पानी, 4-6 मॉलिक्यूल का छोटा पानी, मतलब टाइनी वाटर माइक्रो क्लस्टर वाटर में कन्वर्ट होता है, जिसका साइज हमारे सेल के एंट्रेंस से भी बहुत कम है, मतलब वो हमारे बॉडी को 6 times ज्यादा हाइड्रेट रखेगा। लाइक कैन यू बिलीव दिस? ऑफ कोर्स इसका भी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है, हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। बैकबोन टीम, कैन यू प्लीज स्पॉटलाइट अगेन द लाइव डेमो? ओके, थैंक यू सो मच। अभी हमारे जो बॉडी के सेल है उसको तो ऑफकोर्स बाहर निकल के देख नहीं सकते ना कि उसमें कितना पानी गया, इसीलिए हम हाउस होल्ड के कोई भी आइटम्स, मतलब कोई जीरा है या कुछ भी हल्दी आप ले सकते हो, उसको डाल के उसमें कितना पानी एब्जॉर्ब होता है वो चेक करेंगे। अभी पहले की तरह, पहले हमारा है वो बॉटल्ड वाटर और दूसरे ग्लास में है हमारा 9.5 कैंगन वाटर। अब हम यहाँ पे जीरा यूज करेंगे, दोनों ग्लास में हम जीरा डालेंगे, जितना भी जीरे का कलर बाहर आएगा इतना पानी अंदर गया होगा, ऐसा साबित होता है राइट। तो आप दोनों ग्लास में जीरा डालिए प्लीज एंड जस्ट स्टर इट। वाओ, सी आपने देखा येलो कलर, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पानी जीरे में चला गया, मतलब उसको थोड़ा भी टाइम नहीं लगा उसके अंदर जाने में, इतना टाइनी पानी है, माइक्रो क्लस्टर पानी है राइट। थैंक यू सो मच। एंड ये जो माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी है, इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम सबको पता है कि अभी हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल है वो बहुत ही लिपिडिक लाइफस्टाइल है, मतलब बहुत ही लिपिड हमारे में जमा हो रहा है, इसीलिए हमारा ब्लड जो है वो थिक हो रहा है। अभी हमारे बॉडी में हमारे ब्लड के पास कोई ऐसा फोर्स नहीं है कि वो क्लॉट बनाने से बचा सके,
हमारा जो माइक्रो क्लस्टर कैंगन वाटर है वो ब्लड से भी थिन है, मतलब उसका वजन उससे भी कम है, तो वो कॉन्स्टेंटली हमारे बॉडी में फोर्स जनरेट करेगा जिससे ब्लड क्लॉट होने के, ब्लड ट्यूमर होने के बहुत चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये तीन तो हमने 70% पार्ट हमारा सेव कर लिया जो पानी का था वो, राइट। लेकिन हमने स्टार्टिंग में बोला था कि जो हम खाना खा रहे हैं 30% पार्ट वो भी पेस्टिसाइड वाला है, वो भी हमको सेव करना है, तो उसका भी ऑप्शन है। कैसे? सबसे पहले पेस्टिसाइड पहले प्रॉब्लम क्यों नहीं था, क्योंकि वो पाउडर्ड पेस्टिसाइड था, मतलब बारिश के पानी से वो पेस्टिसाइड निकल जाता था, उसको कोई एडिशनल वॉश की जरूरत नहीं थी। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ अभी ऑयली पेस्टिसाइड यूज होने लगे हैं, मतलब ऑयल और वाटर दोनों का हमको नेचर पता है, दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते, इसीलिए ऑयली पेस्टिसाइड वाले फ्रूट्स को आप कितने भी पानी से धोओगे वो पेस्टिसाइड उस पर ही रहेगा और वो हमारी बॉडी में डायरेक्टली जाएगा। अब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन ये है कि हम सबको पता है कि कैंसर का प्रिवेलेंस और कैंसर अलग अलग टाइप के सबसे ज्यादा किस में होते हैं, वुमन में होते हैं, मतलब महिलाओं में वो सबसे ज्यादा होते हैं। लेकिन वाइसा वर्सा एक चीज है कि पुरुष जो होते हैं उनको व्यसन ज्यादा होता है, मतलब जो खराब आदतें हैं वो उनको ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी वुमन को कैंसर प्रिवेलेंस क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि हमारी ये पेस्टिसाइड के साथ वो सब जुड़ी हुई है, मतलब हमारे और हमारी घर की हर महिलाओं के लिए ये बहुत ही हानिकारक है, हमें इसको रिमूव करना चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये पेस्टिसाइड रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमारे कैंगन डिवाइस में से 11.5 स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर निकलता है जिसका मेन यूज है प्रैक्टिकल पेस्टिसाइड रिमूव करना। अभी हम इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। बैकबोन टीम, कैन यू प्लीज स्पॉटलाइट द लाइव डेमो, थैंक यू सो मच। अभी हम पेस्टिसाइड के लिए एक ऑयल लेंगे, मतलब घर का आप कोई भी तेल ले सकते हो जिसको आप पेस्टिसाइड समझोगे। अभी दोनों ग्लास में हम ये ऑयल स्प्रे करेंगे। पहला जो ग्लास है उसमें है हमारा टैप वाटर, मतलब जो पानी आप नल का आता है जिससे आप फ्रूट वेजिटेबल साफ करोगे वो रहेगा, और हमारा दूसरा ग्लास में 11.5 स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर है। अभी आप ऑयल धोना ट्राई करें मैम हमारे नल के पानी से। एज यूजुअल हम सबको रिजल्ट पता है कि ऑयल पानी में मिक्स नहीं होगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा पानी में ऊपर, आप सब देख सकते हो, राइट। अभी 11.5 से आप धोने का ट्राई करो ना, लुक एट दिस, ऑयल दिख रहा है आपको? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा है, आप सबको दिख रहा है कहीं पे ऑयल? नहीं दिख रहा ना, क्योंकि पूरा ऑयल इमल्सिफाई हो गया है हमारे 11.5 स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर से, पूरा ऑयल इमल्सिफाई हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर दिस डेमोन्स्ट्रेशन। एंड ये ऑयल इमल्सिफाई होके, पेस्टिसाइड इमल्सिफाई होके सीधा हमारे पानी में आ जाएगा और हमारा फ्रूट्स और वेजिटेबल पेस्टिसाइड फ्री हो जाएगा। आर यू गाइज एंजॉइंग, राइट? ऑफ कोर्स। सो अभी हम देख लेते हैं कि हमारा डिवाइस का इंफॉर्मेशन क्या है और हमारे डिवाइस का स्पेशलिटी क्या है। अभी कुछ डॉक्टर्स है, कुछ वीवीआईपी डॉक्टर्स है जो इनको एंडोर्स करते हैं। उसका एक एग्जांपल है डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट, जो अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के फाउंडर है, और उनकी बुक है किलिंग कैंसर नॉट पीपल। अभी इस बुक को कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए बाइबल माना जाता है, और ये डॉक्टर ने अपनी बुक में हमारे डिवाइस SD501 को वर्ल्ड के सभी आयोनाइजर में रोल्स रॉय बोला है। रोल्स रॉय, यू नो व्हाट द रोल्स रॉय इज, मतलब उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ हमारा जो डिवाइस है वो टॉप पे है। एंड नेक्स्ट है डॉक्टर हिरोमी शिनिया, जिन्होंने कोलोन कैंसर की जो ट्रीटमेंट है कोलोनोस्कोपी उसका इन्वेंशन किया था। उन्होंने उनकी बुक में कैंगन वाटर पे पूरा एक चैप्टर लिखा है, और उन्होंने ये भी एडमिट किया है कि वो खुद तो कैंगन वाटर पीते ही है, लेकिन
उनके पेशेंट्स को भी उनकी सर्जरी से पहले 3 लीटर मिनिमम कैंगन वाटर पिलाते हैं और उसके बाद ही सर्जरी करते हैं, और शायद इसीलिए उनके एक भी कैंसर पेशेंट को एक भी बार वापस कैंसर नहीं हुआ है। लाइक इट इज अमेजिंग, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स अगर ये डिवाइस को एंडोर्स कर रहे हैं तो हमें इस पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए। इट इज अमेजिंग राइट। सो अभी हम हमारे डिवाइस की थोड़ी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। डिवाइस में से एक साथ अलग अलग 7 टाइप्स के वाटर निकलते हैं, 7 टाइप्स के उसके अलग अलग यूज है। क्या यूज है? 8.5, 9 और 9.5 कैंगन लाइव वाटर है जो आप पीने के लिए और खाना बनाने के लिए यूज कर सकते हो। 7 pH का क्लीन वाटर मेडिकेशन वाटर है, मतलब घर में अगर कोई दवाइयां लेते हो तो ये पानी के साथ लेनी है, और छोटे बच्चों और प्रेग्नेंट वुमन के लिए ये पानी यूज करना है। दूसरे 3 जो पानी है वो हमारे पर्सनल हाइजीन के पानी है, मतलब 6 pH का जो ब्यूटी वाटर है वो स्किन टोनिंग के लिए है। अभी कैसे, हमारी स्किन की नॉर्मल pH 6 होती है, अगर उसकी एसिडिटी बढ़ती है तो उस पे फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए उसकी pH मेंटेन करने के लिए हम ये ब्यूटी वाटर उस पर स्प्रे करेंगे, या आप उससे नहा भी सकते हो, इससे उसकी pH मेंटेन होती रहेगी राइट। नेक्स्ट है 11.5 स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर, जिसका यूज मैंने आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाया कि पेस्टिसाइड रिमूव करने के लिए होगा। और नेक्स्ट है हमारा 2.5 स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर, जो वर्ल्ड का बेस्ट डिसइंफेक्टेंट एंड बेस्ट सैनिटाइजर वाटर है। अभी सैनिटाइजर की डेफिनेशन हमको कब पता चली? कोविड के बाद। उससे पहले कोई सैनिटाइजर यूज भी नहीं करता था, लेकिन ये कंपनी लास्ट 47 इयर्स से नेचुरल सैनिटाइजर वाटर देती है, जिसमें कोई भी केमिकल नहीं है, कोई भी अल्कोहल नहीं है, क्योंकि सैनिटाइजर किससे बनता है? 70% अल्कोहल, जो हमारी स्किन में स्किन कैंसर करने के चांसेस ज्यादा बढ़ाते हैं, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर एज अ सैनिटाइजर वाटर यूज होता है। आर यू क्लियर विथ इट? ओके, अब हमारा डिवाइस वर्क कैसे करता है? अभी डिवाइस में प्लेटिनियम कोटेड टिटेनियम की प्लेट्स है, स्टेडी प्लेट्स है, और डिवाइस के स्टार्टिंग में कार्बन फिल्टर होता है, जिसका काम सेडिमेंट, लेड, रस्ट और बैक्टीरिया वायरस दूर करना है, और वो पानी हमारे इलेक्ट्रोलिसिस चैम्बर में जाएगा जहां पे हमारी प्लेट्स होंगी, और वहां पे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगा। अभी एक स्पेशलिटी यहाँ पे ये है कि ये पूरा डिवाइस 0% वेस्ट वाटर कॉन्सेप्ट पे बना है। कैसे? पूरे डिवाइस की डिजाइन पीएच पे हुई है, 0 से 14 का स्केल होता है। पहले हॉज में से अगर आप 9.5 पीएच का पानी निकालोगे, जो पीने का पानी है, तो उसको आप 14 में से माइनस करो, कितना बचेगा? 4.5 pH, राइट? तो वो आपका ब्यूटी वाटर है जो आप बाथिंग के लिए, नहाने के लिए यूज कर सकते हो। और दूसरा एग्जांपल है हमारा 11.5 pH का स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर, जो हमारा पेस्टिसाइड रिमूवल है, और वहां से दूसरे हॉज में से कौन सा पानी निकलेगा? 2.5 हमारा स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर, जो हमारा सैनिटाइजर वाटर है। इसीलिए ये बहुत अमेजिंग टेक्नोलॉजी है, पानी हमें इजीली मिल जाता है, इसीलिए हमें उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं पता है। जिन लोगों को पानी नहीं मिलता है उनको जाके पूछिए कि पानी की कितनी अभी कटौती चल रही है इंडिया में, राइट? ओके, सो ये हमारे डिवाइसेस है और उसके प्राइसेस है। प्राइसेस प्लेट्स के अनुसार डिफर करते हैं, आपको जिसने इनवाइट किया है आप उसके साथ बैठ के ये प्राइस समझना। और लास्ट यहाँ पे मैं कंक्लूड करती हूँ, लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगी कि ये दिवाली आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने फैमिली को एक बहुत अच्छा गिफ्ट करने की। क्या आप अभी भी वो पुराना ऑक्सीडाइज लार्ज क्लस्टर वाटर अपने फैमिली को देना चाहोगी, कि ये हेल्दी अल्कलाइज माइक्रो क्लस्टर वाटर? चॉइस इज योर्स, चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। वंस अगेन मेरी और पूरी NS इंटरनेशनल टीम की तरफ से अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड नूतन वर्षा अभिनंदन। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। दोस्तों, कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मैम? एक जोरदार डिजिटल क्लैपिंग हो जाए मैम के लिए। बहुत ही पावरफुल प्रेजेंटेशन था मैम के लिए। कुछ अप्रिसिएशन प्लीज आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। Superb, superb. Thank you so much.
दोस्तों मैम ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज बताई यहाँ पे, तो क्या आप बता सकते हो आपको सबसे अच्छी प्रॉपर्टी कौन सी लगी? अभी मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों को इनवाइट करना चाहूंगी जो ऑलरेडी ये डिवाइस को यूज कर रहे हैं, राइट, जो ऑलरेडी कैंगन वाटर पी रहे हैं कई वक्त से, और उनको उनके घर में कहीं ना कहीं बीमारी है और उसका रिजल्ट मिला है उनको, राइट। तो यहाँ पे कोई भी है जो कैंगन वाटर पी रहे हैं और उनको कुछ रिजल्ट मिला है घर पे? आप SH टाइप कर सकते हो चैट बॉक्स में। दर्शिका मैम को इनवाइट करना चाहूंगी बैकबोन टीम। प्लीज आप दर्शिका मैम, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को और आप शेयर कर सकते हो। हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? थैंक यस यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। यू NSI टीम, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हेल्थ शेयरिंग का मौका देने के लिए। और हेल्थ शेयरिंग की बात करूँ तो सबसे पहले तो मुझे अपने फैमिली में से ही मिला है। मेरी मदर इन लॉ है, उनको डायबिटीज था और हाई बीपी का भी प्रॉब्लम था और उनके जॉइंट प्रॉब्लम भी था। तो हमने 1 महीने से उनको ये पानी पिला रहे हैं और ये पानी वो पी के 9.5 का उनको पिला रहे थे और दवाई में 7 पॉइंट का दे रहे थे। तो 1 महीने में उनका डायबिटीज भी कंट्रोल है और उनको जो बीपी की प्रॉब्लम है वो तो अब बिल्कुल है भी नहीं, और बीपी की गोली भी नहीं दे रहे हैं, उनकी बीपी की गोली भी बंद हो गई है। तो मेरा कहना ये है कि ये जो हेल्थ डिवाइस है वो वर्ल्ड का बेस्ट हेल्थ डिवाइस है। और इस दिवाली अगर हम हेल्थ वेल्थ के लिए तो सब अप्रिशिएट करते भी है, पर अगर हेल्थ के लिए करना है तो सच में पहले ये डिवाइस अपने घर पे लगना ही चाहिए, मेरा कहना ये है। और थैंक यू NSI टीम, और विश यू हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू और थैंक यू। थैंक यू सो मच दर्शिका मैम। जैसे कि दर्शिका मैम ने बताया कि कैसे उनके घर पे उनको बीपी और डायबिटीज के इश्यूज रिजॉल्व हुए, राइट। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर दी पावरफुल शेयरिंग। दोस्तों मैं और शेयरिंग्स लेना चाहूंगी जिसको भी। ओके प्रीति मैम, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम, एम आई ऑडिबल? यस मैम, यू आर ऑडिबल। गुड इवनिंग मैम, एंड थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे शेयरिंग का मौका देने के लिए। मेरा नाम प्रीति गोरवाड़िया है और मैं राजकोट गुजरात से बिलोंग करती हूँ और मैं टीचिंग फील्ड से हूँ। हमारे घर में कैंगन मशीन को लगे हुए अभी सिर्फ 3 ही महीने हुए हैं, और अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब से मैंने 9.5 pH का पानी पीना शुरू किया तब से मुझे वेट लॉस में बहुत ही फायदा हुआ है। मैं एकदम लाइट और फिट फील करती हूँ। और दूसरा जो है वो मेरे नेक पे मुझे डार्कनेस की प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी बढ़ गई थी, वहां पे ब्लैक हो गई थी मेरी स्किन। तो वहां पे मैंने जब से 6 pH और 2.5 pH का स्प्रे करना शुरू किया तो अब मेरी स्किन जो है वो एकदम ब्राइट और वाइट हो गई है। तो ये जो है वो मुझे बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिले हैं। सो थैंक यू सो मच कैंगन, एंड थैंक यू सो मच NS इंटरनेशनल, और सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से वेरी हैप्पी दिवाली एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ग्रेट टू हियर कि आपको इतना मस्त वेट लॉस और आपको स्किन इन्फेक्शन के इश्यू रिजॉल्व हुए। थैंक यू सो मच फॉर दी पावरफुल शेयरिंग मैम। दोस्तों और भी कोई अगर शेयरिंग करना चाहते हैं तो आप प्लीज चैट बॉक्स में SH टाइप कर सकते हो। कीर्तिदा मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। कीर्तिदा मैम नहीं है। ओके हम बिनल मैम, बिनल मैम हेलो मैम, यस मैम, कीर्तिदा मैम प्लीज गो अहेड।
हमें कि मेरी आवाज आ रही है मैम? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैं कीर्तिदा पटेल हूँ, गुजरात से हूँ मैं। ओके। मुझे सोरायसिस का प्रॉब्लम था, आज 20 साल हो गए और सारी ट्रीटमेंट मैंने करवाई लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था। 8 से 10 लाख तक खर्च कर दिया, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। फिर हितेश सर ने और मेरे भाई जो प्रियेश पटेल है उन्हें कैंगन मशीन जो बताया और मुझे बोला कि आप ले लो, अच्छा हो जाएगा। तो मैंने कैंगन मशीन ले लिया, फिर पानी पीने 9.5 पानी पीने शुरू कर दिया। 2.5 का जो पानी है उसका मैं बाहर से स्प्रे करती हूँ। आज 2 महीना हो गया और इतना अच्छा रिजल्ट मिला है कि जैसे मानो मेरे तो वो गणपति बापा ही है, इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। थैंक यू। वाओ मैम, व्हाट एन अमेजिंग रिजल्ट्स यू हैव गॉट। दोस्तों, आज जैसे कि आपने सुना, सोरियासिस डिजीज था और उनको 2.5 पीएच से बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। थैंक यू फॉर द पावरफुल शेयरिंग मैम, सुपर्ब रिजल्ट्स, थैंक यू। और कोई शेयरिंग करना चाहता है यहाँ पे, आप चैट बॉक्स में एसएच टाइप कर सकते हो। ओके, निकिता मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। आज शेयरिंग करने के लिए मुझे चांस दिया इसलिए का थैंक यू वेरी मच। मैं निकिता, मोरबी गुजरात से। हेल्थ की बात करें तो कई सारी बीमारियां ऐसी है जिसमें एक बार तय हो जाए कि ये बीमारी है तो आदमी का मरना निश्चित ही है, लेकिन हमारी रूटीन जो लाइफ है उसमें हम देखते हैं कि कई सारी छोटी छोटी बीमारियां ऐसी भी है कि जिसमें आदमी रोज जीता तो है लेकिन मर मर के जीता है। उसमें से एक बीमारी है माइग्रेन, सिर दर्द। 2 साल पहले मुझे सिर का दर्द रहता था और वो महीने में 2-3 बार रहता था और 2-3 दिनों के लिए रहता था। तो 1-2-3 दिनों में मैं कुछ भी कर नहीं सकती थी, नहीं खाना पकाती थी, नहीं खुद खाती थी, नहीं किसी को खिलाती थी। और इसके कारण मेरे अंदर B12, हीमोग्लोबिन, जॉइंट पेन, कमर दर्द, ये सब तकलीफें आई थी। और तब मेरी बेटी फीडिंग कर रही थी, छोटी बच्ची थी, तो उसको भी इसके कारण पोषक तत्व नहीं मिल रहे थे, तो वो भी बीमार की बीमार ही रहती थी। तो हमने 2 साल पहले कैंगन डिवाइस अपने घर पे लिया और 2-3 महीने तक हमने उसका लाइव पानी पिया, तो उससे मुझे माइग्रेन की जो तकलीफ थी वो खत्म हो गई और उसके रिगार्डिंग जो भी मुझे समस्या थी वो सब खत्म हो गई। तो थैंक यू कैंगन वाटर एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच निकिता मैम, थैंक यू फॉर द पावरफुल शेयरिंग। दोस्तों, आपने देखा बीपी में रिजल्ट्स मिले हैं, डायबिटीज में रिजल्ट्स मिले हैं, वेट लॉस में, सोरियासिस में, मैम ने बताया माइग्रेन में रिजल्ट्स मिले हैं। और भी कोई है जिनको कुछ और ज्यादा रिजल्ट मिले है कोई डिजीज में, आप एसएच टाइप कर सकते हो। मैं एक लास्ट शेयरिंग लेना चाहूंगी। ओके, बिनल मैम को इनवाइट करना चाहूंगी मैं। बिनल मैम, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। हेलो मैम। हेलो, हेलो बिनल मैम, वेलकम। हाँ जी, माय नेम इज बिनल चौधरी, आई एम फ्रॉम पालनपुर गुजरात। अगर हेल्थ शेयरिंग की बात करूं तो मेरी फैमिली में सबसे ज्यादा बेनिफिट मेरी मदर इन लॉ को हुआ है। उनको 15 साल पहले कैंसर था, उस टाइम पे जो भी थेरापी दी गई या ट्रीटमेंट दी गई उसके रेडिएशन की वजह से 3-4 साल पहले उस जगह पे छोटी छोटी गांठे होने लगी थी। तो हमने डॉक्टर को दिखाया, उनका बोलना था कि कैंसर रिवर्स होने के चांसेस है। उन्होंने थोड़े बहुत टेस्ट किए, टेस्ट सारे नेगेटिव आए, तो उन्हीं के रेफरेंस से हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया। डर्मेटोलॉजिस्ट का बोलना था कि किसी और पार्ट से स्किन लेके वहां पे डालनी पड़ेगी, लेकिन फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है कि ये चीज फिर से नहीं होगी। उसके बाद अभी थोड़े टाइम पहले मेरी ननंद के घर पे ये कैंगन मशीन आया था, तो उनका घर पास में ही है, उन्होंने उसी टाइम पे कैंगन वाटर वही 9.5 पीएच वाला लेके 1 महीने तक मेरी सासू माँ को पिलाया, उनको उसी पानी से ट्रीटमेंट दी और 1 महीने बाद सारी गांठें चली गई बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी मेडिसिन के। तो ये
बिल्कुल मैजिकल वाटर है, सब पे इम्पैक्ट किया है और ये इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा है हम लोगों के लिए। और लास्ट में यही बोलना चाहूंगी कि सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच विनल मैम, वेरी पावरफुल शेयरिंग, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, वैसे तो हमारे पास बहुत ही सारे लोग हैं जो शेयरिंग करना चाहते हैं, जिनको बहुत ही अच्छे से रिजल्ट्स मिले हैं इसमें, राइट? पर सबका शेयरिंग लेंगे तो शायद हमारी दिवाली यहीं पे निकल जाएगी। ओके, सो इस इवेंट को ज्यादा इसके ऊपर वक्त ना वेस्ट करते हुए हम इस इवेंट को आगे बढ़ाते हैं। सो ये था अभी हेल्थ का पार्ट, राइट? अभी जो हमारा दूसरा और अमेजिंग पार्ट आ रहा है जो है वेल्थ का पार्ट, राइट? दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, डू यू लव मनी? कैन यू प्लीज टाइप मनी इन द चैट बॉक्स इफ यू लव मनी, कैन यू प्लीज टाइप? ओके, आई सी सो मेनी पीपल आर टाइपिंग मनी। Yes, I love money, I love money. Superb, superb. Thank you everyone. So, दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो पूरी लाइफ मेहनत करते रहते हैं फिर भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इश्यूज फेस कर रहे हैं, राइट? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 9 से 6 की जॉब से तंग आ चुके हैं, ओके? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसी वुमेन है जो हाउसवाइफ है, जिनके बहुत सारे कुछ सपने हैं, राइट? वो कुछ कुछ ना कुछ हासिल करना चाहती है, अनफॉर्चुनेटली उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, अनफॉर्चुनेटली उन्हें कोई अच्छा क्वालिफिकेशन होने के बावजूद उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के खातिर वो कुछ कर नहीं पाते हैं, राइट? कहीं ना कहीं वो कोई अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं, ओके? सो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, पर हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है इसके लिए, ओके? सो आर यू ऑल एक्साइटेड हमारा नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए? आप चैट बॉक्स में यस टाइप कर सकते हो। ओके, सो हमारे बीच में एक ऐसी सुपर पावरफुल लेडी आ रही है जो वेल्थ पार्ट के लिए कुछ आपको इंफॉर्मेशन शेयर करेगी, ओके? तो उनके बारे में बताओ, तो वो भी पहले एक हाउसवाइफ थे, ओके? पर वो फुल टाइम इनर्जिशियन है, अभी कंप्यूटर साइंस में उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, राइट? और अभी काफी टाइम से वो इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं, ओके? सो दोस्तों, एक बार जोरदार डिजिटल क्लैपिंग हो जाए, और प्लीज हेल्प मी टू इन्वाइट मिसेस तृप्ति जाधव। थैंक यू सो मच अदिति मैम टू इंट्रोड्यूस मी। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि आज अभी ये दिवाली का त्योहार चल रहा है, फिर भी आप लोगों ने आपका जो मूल्यवान टाइम है वो निकाला और ये मीटिंग आप अटेंड कर रहे हो। आप आई वॉन्ट टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली, और साथ ही मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूंगी, क्योंकि आने वाले 10 मिनट अगर आप मेरे साथ बने रहोगे और उसे समझोगे तो आपकी अगली दिवाली जो है वो उसे आप अपनी ड्रीम दिवाली बना पाओगे। तो आप में से कौन कौन है जो नेक्स्ट दिवाली अपनी ड्रीम दिवाली बनाना चाहोगे, प्लीज चैट बॉक्स में आप हैप्पी दिवाली टाइप कर सकते हो। डेफिनेटली हर कोई चाहेगा कि अपनी हर एक दिवाली हैप्पी दिवाली, मैंने अपनी ड्रीम दिवाली की तरह हम उसे सेलिब्रेट करें। तो जब मुझे अदिति मैम ने इनवाइट किया तो आप लोगों को लगा होगा वेल्थ पार्ट समझा रहे तो शायद कोई फाइनेंस पर्सन होगा या कोई सीए होंगे या फिर कोई सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन होंगे, लेकिन नहीं दोस्तों, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, एक होम मेकर हूँ। इंजीनियरिंग करने के बाद भी, जैसे मेरे हस्बैंड का जॉब जो है वो ट्रांसफरेबल होने के कारण हम एक जगह पे नहीं रहते हैं, और फैमिली के लिए इसके लिए मैंने वो चूज किया था कि मैं अपने घर को ही संभालूंगी, लेकिन एक लगता था कि इतने सारे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के कोर्सेज भी किए हैं, कई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिली थी, लेकिन वो मैं कर नहीं पाई, तो थोड़ा सा अपना भी कुछ अर्निंग होना चाहिए। तो कैंगन की वजह से मुझे वो मौका मिला है, और सही में ये बिजनेस इतना इजी और सिंपल है, इतना अमेजिंग बिजनेस है कि आपके फैमिली का कोई भी मेंबर हो, कोई भी एज ग्रुप का हो या फिर उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड कोई भी हो, वो ये बिजनेस कर सकते हैं। तो ऐसा अमेजिंग बिजनेस के बारे में आप जरूर जानना चाहोगे, तो आइए हम शुरू करते हैं।
हाँ, ये स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? ओके, तो आइए हम देखते हैं ये अमेजिंग ग्लोबल हेल्थ बिजनेस, उसे हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो करंट सिचुएशन अभी मार्केट में क्या है, स्पेशली कोविड के बाद हम देखते हैं काफी लोगों के जॉब गए हैं, काफी लोग हेल्थ वाइज साथ साथ वेल्थ वाइज भी सफर कर रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ कि एक वाटर को हम एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर देख पाए, अगर एक वाटर ही हमें इसका प्रॉब्लम का हमें सोल्यूशन मिल पाए, तो उससे अमेजिंग मुझे नहीं लगता कुछ होगा। क्योंकि इंडिया में इस प्रोडक्ट की, जैसे कि ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, नंबर वन प्रोडक्ट है, और इसकी हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा जरूरत है, और इसकी फ्यूचर में डिमांड भी बहुत ज्यादा आने वाली है। तो इसकी जो सप्लाई लगेगी जो डिमांड के अकॉर्डिंग, तो उसको हमें लोगों तक पहुंचा के इसके बीच में एक ब्रिज बनाने का काम ये बिजनेस के थ्रू हम कर सकते हैं। तो अभी जैसे डॉक्टर देवल मैम ने हमें समझाया कि बहुत अच्छे से उन्होंने हमें ये प्रोडक्ट कितना अमेजिंग है वो समझाया, तो क्या आप चाहोगे कि ऐसा अमेजिंग डिवाइस, ऐसा अमेजिंग प्रोडक्ट आपके घर में हो, अपने घर में जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आते हैं उसका पेस्टिसाइड्स रिमूव करने के लिए, आप चैट बॉक्स में एस टाइप कर सकते हो। जरूर हर कोई चाहेगा अपनी फैमिली की जो हेल्थ है, अपनी फैमिली की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए, साथ ही में एक अगर ऐसा सैनिटाइजर, नेचुरल सैनिटाइजर हमें मिलता है विदाउट एनी केमिकल, जो हमारे बच्चों के लिए भी काफी सेफ रहेगा, ऐसा जो प्रोडक्ट हमारे घर में आना चाहिए, ऐसे क्या आप चाहते हो? साथ ही में ये प्रोडक्ट की वजह से हमारा बॉडी का जो पीएच है उसे हम बैलेंस कर पाएंगे, और हमारी बॉडी का जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है वो अच्छे से हो पाएगा। तो आप में से कौन कौन चाहेगा कि आपके घर में ये प्रोडक्ट लगना चाहिए, होना ही चाहिए? डेफिनेटली काफी लोग इसे अपने घर में लगाना चाहेंगे, क्योंकि हमें पता है पहले हम लोग जो घर में कूलर यूज करते थे उसकी जगह बाद में विंडो एसी ने ली, और अभी हम स्प्लिट एसी प्रिफर करते हैं। वैसे ही पहले लैंडलाइन थे, बाद में मोबाइल आए, और अभी हम लोग जो है स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। उसी तरह जैसे मुझे पता याद है जब हम छोटे थे तो हम नल में वो कपड़ा बांध के वो फिल्टर करके पानी लेते थे, अभी घर घर में हमें आरओ दिखते हैं, और आने वाले कुछ समय में हमें हर घर में ये कैंगन डिवाइस दिखने ही वाला है। तो अगर हम देखें अपनी इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसके नीड के अकॉर्डिंग, हमें इंडिया में बहुत ज्यादा जरूरत है इस प्रोडक्ट की, लेकिन टिल डेट बहुत कम लोगों तक ये डिवाइस पहुंचा है। तो हमें यहाँ पे इस प्रोजेक्ट का, इस कंपनी के लिए, हमारे इस बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा पोटेंशियल हम देख पाते हैं। तो आप लोगों को अगर कोई ऐसी कंपनी की फ्रेंचाइजी मिले जिसका वर्ल्ड वाइड बैकग्राउंड जो है वो 48 इयर्स से भी ज्यादा सालों का है, वो जो कंपनी है वो 153 कंट्रीज में 44 लोकेशंस में इसके ऑफिसेस हैं, और ये जो डिवाइस है, ये जो कंपनी है, इसके जो क्लाइंट बेस जो है वो सेलिब्रिटी का क्लाइंट बेस है, मतलब काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसको यूज करते हैं, और 6500 से भी ज्यादा इंटरनेशनल डॉक्टर्स इसे इंडोर्स करते हैं। और ये जो कंपनी है ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, मतलब ये कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो कंट्री में ही बनता है, और वहीं पे ईच एंड एवरी पार्ट वहीं पे असेंबल होके पूरा डिवाइस, पूरा फाइनल प्रोडक्ट रेडी होके हमारे घर तक आता है। और ये जो प्रोडक्ट है इसका जो बिजनेस प्लान है, ये प्रोडक्ट जो है वो तो पेटेंटेड है ही, लेकिन साथ ही में इसका जो बिजनेस प्लान है वो भी पेटेंटेड है। जी हाँ, मैं एनर्जिक की बात कर रही हूँ। इसका, हमारी एनर्जिक का जो ग्लोबल प्रेजेंस है वो 23 कंट्रीज में और 44 लोकेशंस में इसके ऑफिसेस है। और ये जो डिवाइस है इसे स्पोर्ट्स पर्सन से लेके बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से लेके इंडियन कॉमन मैन तक इसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसा अमेजिंग जो बिजनेस है इसे इसके लिए हमें, अगर हम इसका स्टार्टअप करने के लिए सोचे, सेटअप करना चाहे, तो इसके लिए हमें अलग से कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये जीरो सेटअप कॉस्ट में हम ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और इसको हम वर्ल्ड वाइड प्रमोट भी कर सकते हैं। ये हमें हेल्थ एंड वेल्थ के लिए
सॉल्यूशन देता है, एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर ये हमारे लिए काम कर सकता है और ये बिजनेस के थ्रू हम एक्सपोनेंशियल एंड कंपाउंड ग्रोथ कर सकते हैं। और साथ ही में अगर जैसे हमने कोविड में देखा, लॉकडाउन में देखा, काफी लोग सफर हुए, तो ऐसा ही अगर लाइफ टाइम भी लॉकडाउन आता है फिर भी ये बिजनेस हम घर रह के कर सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट है इसका जो बिजनेस मॉडल है, ये एनर्जी कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, ये डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में अपने आप में सबसे बेस्ट बिजनेस मॉडल है जो कि पेटेंटेड है, तो कंपनी चाह कर भी इसे चेंज नहीं कर सकती। और जो हम चाह रहे हैं, जो हम सुनते हैं, हमें जो अर्निंग इसमें हमें जो दिख रहा है वैसा ही हमें लाइफ लॉन्ग मिल सकता है। तो अगर हम बाकी डायरेक्ट अगर हम एमएलएम के साथ या पिरामिड एमएलएम के साथ हमारी मल्टी पॉइंट मार्केटिंग को अगर हम कंपेयर करें तो आप देख पाओगे एमएलएम में हमें क्या करना होता है। जैसे हम पहले ज्वाइन होते हैं, हमें 5 लोगों को हम ज्वाइन करेंगे, उसके आगे 25 मेंबर्स को ज्वाइन करेंगे, आगे 125, देन 625, ऐसे कर करके हमें एक पिरामिड फॉर्म हो जाता है। तो ऊपर में तो बहुत कम लोग होते हैं, तब तो प्रॉफिट शेयर कंपनी जो है प्रॉफिट शेयर कर पाती है, लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं उसमें ज्यादा लोग होने के कारण वो कंपनी चाह कर भी उनके उनमें वो प्रॉफिट शेयर नहीं कर पाती और कोलैप्स हो जाती है, खत्म हो जाती है। और इंडिया में ऐसे काफी एमएलएम कंपनी को भी बैन कर दिया है। इसके उल्टा अगर हम डायरेक्ट सेल्स हमारी एनर्जी का जो बिजनेस प्लान है उसको अगर देखते हैं तो हम उसमें ओवर एंड डाउन ग्रोथ कर सकते हैं। हम चाहे वैसे उसमें अगर हम चाहे तो वर्टिकली भी ग्रो कर सकते हैं और हॉरिजेंटली भी हमारा बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। तो यही अपने आप में इस बिजनेस का सक्सेस के लिए इसका जो है वो इसी में इसका राज छुपा है। तो अगर हम इस हमारे एनर्जिक बिजनेस को ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ कंपेयर करें तो जैसे कोई भी प्रोडक्ट जब कंपनी से कस्टमर तक आता है तो वो एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू हमारे कस्टमर के पास आता है। बीच में जैसे चैनल पार्टनर है, ब्रांड एम्बेसडर है, एडवर्टाइजिंग है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, होलसेलर है, रिटेलर है, इतने ज्यादा लोग हैं, तो प्रोडक्ट का जो टोटल कॉस्ट है उसका 50-70% जो अमाउंट है वो इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके उल्टा अगर हम एनर्जिक में देखें तो जो प्रोडक्ट है वो कंपनी से डायरेक्ट कस्टमर तक आता है और बीच में जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर है उनको रेफरल प्लान के थ्रू कंपनी 40% उनमें ये जो उसका रिवॉर्ड है एज अ कमीशन वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए सोचे तो हमें बहुत बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है। इसके उल्टा अगर हम एनर्जी का बिजनेस स्टार्टअप करना चाहे तो हमें विद जीरो इन्वेस्टमेंट हम ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हमें कोई भी अलग से मतलब डिवाइस लेने के बाद हमें और एक्स्ट्रा मनी इसके बिजनेस के स्टार्टअप के लिए स्पेंड करने की जरूरत नहीं होती है। ट्रेडिशनल बिजनेस में हमें स्टॉक और शोरूम के लिए जगह चाहिए होती है, जबकि एनर्जिक बिजनेस में हमें स्टॉक की और कोई भी शोरूम या किसी इंफ्रा की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डिवाइस डायरेक्टली कंपनी से कस्टमर तक पहुंच जाता है। ट्रेडिशनल बिजनेस है जो हम लिमिटेड एरिया में ही कर पाते हैं, बहुत छोटे एरिया में वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, जबकि एनर्जिक बिजनेस है जिसको हम ग्लोबली एक्सपेंशन कर सकते हैं विथ वेरी स्मॉल एफर्ट्स। घर बैठे भी आप ये डिवाइस अपने पूरे दुनिया में कहीं पर भी किसी को भी रेफर कर सकते हो। लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज, अगर हम कोई भी बिजनेस जब करते हैं तो हम अपने यहाँ पे एम्प्लॉयज रखते हैं, और अगर हमारे बिजनेस में हमें प्रॉफिट हो रहा है या ना भी हो रहा होगा तो भी हमें अपने एम्प्लॉयज की सैलरी देना जरूरी है और उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है हमारे बिजनेस की उसको भी हमें बियर करना पड़ता है, जैसे कि लाइट बिल है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, वो सब कुछ हमें करना पड़ता है। इसके उल्टा एनर्जिक में हमें किसी को भी कोई भी सैलरी देने की जरूरत नहीं और हम अपने जो टीम वर्क है पूरे टीम के साथ वायर रेफरेंस हम लोग अर्न कर सकते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में वेरी लिमिटेड अर्निंग और उसके हमारे यहाँ पे कोई भी पैसिव इनकम होने का चांस नहीं है, जबकि एनर्जिक में हम अगर देखें तो यहाँ पे हम बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट इसमें हम अर्न कर सकते हैं बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन, यहाँ तक कि हम अपने थर्ड जनरेशन तक को हम सिक्योर कर सकते हैं इस बिजनेस के थ्रू।
तो आपको क्या लगता है, जैसे हम बोल रहे हैं एनर्जिक जो है वो डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट पे हम लोग काम करते हैं, इसी के थ्रू ये चलता है, तो आपको क्या लगता है डायरेक्ट सेलिंग के लिए कोई फ्यूचर है? आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो आपको क्या लगता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जरूर डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर ही नहीं, अभी प्रेजेंट में भी हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू ही शॉपिंग कर रहे हैं। जैसे दिवाली के लिए आप लोग ने भी अभी काफी शॉपिंग की होगी, जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इनमें से आपने काफी चीजें मंगवाई होगी, ये भी बेसिकली नथिंग बट डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट पर ही ये ई कॉमर्स कंपनी, ई कॉमर्स साइट काम करती है। और ये जो डायरेक्ट सेलिंग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी राशि के थ्रू प्रमोट करती है, और स्किल इंडिया का जो प्रोग्राम है वहां जाके हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के लिए सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं और एज अ सर्टिफाइड डायरेक्ट सेलर हम बन सकते हैं। तो अभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज तो बहुत सारी होगी, आपने अगर आप सोचोगे तो एनर्जिक ही क्यों, क्योंकि ये कंपनी जो है ये जापान की कंपनी है, जापान मतलब ट्रस्ट वहां पे आ गया। यहाँ पर ये जो है इसका बिजनेस प्लान जो है वो पेटेंटेड बिजनेस प्लान है, अर्निंग विद ब्लेसिंग इसमें हम कर सकते हैं क्योंकि, और ये अर्निंग विद ब्लेसिंग क्या है, ये जब डिवाइस हम यूज करेंगे और हम हमारी वजह से हम ज्यादा से ज्यादा फैमिलीज अगर सिक्योर करोगे तब हमें इसका रियल मीनिंग समझ में आता है। नो स्कैम और कंप्लेंट टिल डेट, आज तक जैसे 48 ईयर्स हुआ है, आज तक ये कंपनी के अगेंस्ट कोई भी स्कैम, कोई भी कंप्लेंट अभी तक नहीं आया है, और ये फर्स्ट कंपनी है जो स्किल इंडिया के द्वारा रिकग्नाइज की गई है। और अगर हम इसकी क्वालिटी के बारे में देखें तो दूर दूर तक ये कंपनी के लिए कोई भी कंपिटेटर नहीं है, कोई चाह कर भी सेम ये क्वालिटी का पानी, सेम ये प्रोडक्ट की तरह हमें नहीं दे सकता। इसमें कोई भी डी रैंकिंग नहीं है, अगर किसी कारणवश हम थोड़े समय के लिए काम नहीं भी कर पाए तो भी जहां हम रुके थे वहीं से हम वो काम स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसमें डी रैंकिंग नहीं है और हमें कोई भी एनुअल रिन्यूअल चार्ज भरने की जरूरत ही नहीं है। और ये जो हमारा बिजनेस है वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन को भी हम पास ऑन कर सकते हैं, और ये जो बिजनेस है प्योरली मीन्ड फॉर हेल्थ पर्पस, हमें लोगों की हेल्थ अच्छी कर कर ही ये हमारा बिजनेस हो पा सकता है। और जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें जो हम रेफरल के थ्रू हमें जो रिवॉर्ड मिलता है उसके लिए हमें वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिवॉर्ड जो है वो डेली बेसिस पे कंपनी पे करती है, जैसे ही हमारे सब डॉक्यूमेंट्स क्लियर होते हैं कंपनी हमें पे करती है। टोटल बिजनेस जो है वो वाइट में होता है, और यही वो एक बिजनेस है जिसमें हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है एक्टिव एज वेल एज पैसिव इनकम जनरेट करने की, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये हम लोग एज ए टीम वर्क के इस पे बेस टीम वर्क के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो NS इंटरनेशनल टीम का हमारे नागेश्वर सर तो बोलते हैं जिता के जीतेंगे, मतलब हमारे टीम को हम जैसे जैसे जिताएंगे उनको हम उनके सपोर्ट के साथ हम खुद भी ग्रो कर सकते हैं। और इसमें जो है हम लोग टीम के साथ ग्रो कर सकते हैं। तो आपको और इस प्रोडक्ट के बारे में, इसके बिजनेस प्लान के बारे में जानना होगा तो आपको जिन्होंने इनवाइट किया आप उनसे जरूर कांटेक्ट कीजिए, उनको आप आज ही फोन करके उनसे ये पूरी चीजें जान लीजिए, और आपकी अगली दिवाली इस दिवाली से भी बहुत अच्छी, बहुत हैप्पी आपकी ड्रीम दिवाली हो सके। इसलिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। सो चेंज योर वाटर एंड थैंक यू सो मच तृप्ति मैम, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, इतना क्लियर प्रेजेंटेशन था, इट वाज रियली अमेजिंग। दोस्तों कैन वी हैव द ब्यूटीफुल वर्ड्स फॉर द मैम, आपको कैसा लगा प्रेजेंटेशन? वंडरफुल। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बोला था कि मैम एक हाउसवाइफ थे, राइट, और आज बिजनेस एंटरप्रेन्योर ऑलरेडी बन चुके हैं, सो ह्यूज डिजिटल क्लैपिंग फॉर द मैम, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, मैम ने बहुत सारे बेनिफिट्स बताए यहाँ पे बिजनेस के, राइट, तो आप बता सकते हो आपको सबसे अच्छा बेनिफिट इस बिजनेस के रिलेटेड कौन सा लगा? आप चैटबॉक्स में टाइप कर सकते हो।
पैसिव इनकम, लो इन्वेस्टमेंट, जैसा कि मैम ने बताया कि इस बिजनेस के लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आप एक डिवाइस परचेस कर रहे हो जो कि आपकी फैमिली के हेल्थ के लिए परचेस कर रहे हो, राइट? और बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें एज अ बाय प्रोडक्ट मिल रही है, ओके? दूसरी चीज, ओके, हेल्थ एंड वेल्थ, व्हाइट मनी, यस, आपको कोई टीडीएस कट होके आपके अकाउंट में व्हाइट मनी आती है. पैसिव इनकम, पैसिव इनकम जो है दोस्तों, शायद आपको पता नहीं हुआ कि किस तरीके से मिल रहा है, तो जिसने भी आपको इनवाइट किया है आप उनके साथ बैठ सकते हो और इन डिटेल में पूरा इसको समझ सकते हो, ओके? सो ओके, अर्निंग विथ ब्लेसिंग्स, वैसे इतने सारे बेनिफिट्स है, थैंक यू सो मच एवरीवन. मैं कुछ ऐसे लोगों को इनवाइट करना चाहूंगी जो ऑलरेडी इस बिजनेस में कई टाइम से जुड़े हुए हैं और वो काफी कुछ अच्छी अर्निंग ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट? तो दोस्तों, ऐसे कौन है जो इसके रिगार्डिंग शेयरिंग करना चाहे, जो ऑलरेडी इस बिजनेस में बहुत हैंडसम इनकम अर्न कर चुके हैं? आप कमेंट बॉक्स में एसेज टाइप कर सकते हो. ओके, नगमानी मैम, नगमानी मैम को इनवाइट करना चाहूंगी. मैम, मैम आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए. हेलो, और हेलो, यस मैम, प्लीज गो. हेलो, थैंक यू सो मच फॉर दिस गिविंग वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. माई सेल्फ नागमणि, मैं हैदराबाद से हूँ बट मैं सूरत में रहती हूँ. थैंक यू एनएसएम इंटरनेशनल टीम. मैं एक केंगन से आने से पहले मैं जॉब भी किया था और बिजनेस भी किया, बट उसके यहाँ पे मैं बहुत सारा नुकसान हुआ था क्योंकि अपना जो भी इच्छा है वहाँ पे पूरा नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मैं बिजनेस के अंदर आ गई. बिजनेस में बहुत सारा नुकसान होगा अदरवाइज बिजनेस के अंदर, बट उसी वक्त मुझे केंगन को अपॉर्चुनिटी मिला, वहाँ पे मैं मुझे अच्छा लगा. फिर उसके बाद मैंने मशीन लेने का पैसा भी नहीं था, फिर भी मैंने मशीन ले के अभी 2.5 साल के अंदर, अभी जिस टाइम पे मेरे पास पैसा नहीं था मशीन लेने के लिए, अभी 2.5 साल के अंदर हर महीने के एक मशीन मैं खरीद कर सकती हूँ. क्योंकि वाई बिकॉज एक केंगन. थैंक यू एनर्जी कंपनी, बहुत अच्छा लगा और आई लव केंगन. थैंक यू सो मच नगमानी मैम, थैंक यू सो मच, इट वॉज अ वंडरफुल शेयरिंग. दोस्तों, फिर से मैं रिट्वीट करती हूँ कि इसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आप प्रोडक्ट ले रहे हो आपकी फैमिली के हेल्थ के लिए, राइट? ओके, और बाय प्रोडक्ट आपको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है. मैं, हमारे पास वक्त नहीं है तो मैं जल्दी से और 2-3 शेयरिंग लेना चाहूंगी. आप कमेंट बॉक्स में एसएच टाइप कर सकते हो. ओके, चिरंगी मैम, मैं चिरंगी मैम को इनवाइट करना चाहूंगी. मैम प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए. मैम आप अनम्यूट कर सकते हो. यस यस, प्लीज गो अहेड. अरे और फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू मैम, मुझे ये चांस दिया आपने बोलने के लिए. मेरा नाम चिरांगी प्रजापति है, मैं डीसा से बिलोंग करती हूँ. बात करूँ तो मेरी लाइफ में केंगन कब आया, डीसा में हमारा एक सेंटर है एनआईटी सेंटर, वहां पर मैं एज अ जॉब करने के लिए आई थी. तो देखा कि बिजनेस, जॉब के साथ साथ मैं बिजनेस भी कर सकती हूँ और बिजनेस सबसे बेस्ट तो था ही क्योंकि वहां पर सब लोग थे जो सक्सेस हो ही रहे थे, तो मुझे सक्सेस होना था उनकी तरह. तो मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे बिजनेस करना है. तो मैंने घर वाले को बताया कि मुझे बिजनेस करना है, तो घर वाले तो मेरे खिलाफ ही थे कि ऐसा वैसा बिजनेस नहीं करना, तू आ जा, ऐसे तो कंपनी आती रहती है. तो मैंने तो इस बिजनेस का फ्यूचर देख ही रहा था कि ये बिजनेस कब तक आगे जाएगा. तो मेरे दादा ने मेरे पे जो एफडी करवाई थी वो मैंने ब्रेक करवा के ये बिजनेस स्टार्टअप किया. और इस बिजनेस में देखा जाए तो मेरा 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ मैम, फिर भी मैंने इस बिजनेस से 1 करोड़ का टर्नओवर कर दिया है. और देखा जाए तो एफडी करवाते तो क्या होता है कि बड़े बड़े बिजनेस में हमारे पैसे से वो बिजनेस करते हैं. तो मैंने ये सोचा
कि हमारे पैसे से मैं खुद क्यों ना बिजनेस करूं। और देखा तो मार्केट में हम देखते हैं कि 2-3 लाख का ऐसा कोई बिजनेस नहीं मिलता कि जहां से हमें इतनी ज्यादा इनकम क्रिएट कर सकते हैं। एक यही एक बिजनेस था जो सबसे सुपर बेस्ट बिजनेस था, तो मैंने ये बिजनेस को करना स्टार्ट किया। तो कहीं ना कहीं मेरे में ये डाउट था कि लड़की हो के मैं ये बिजनेस कैसे कर पाऊंगी। तो सरकार इतनी अटेंड करके मुझे ये पता चली कि बिजनेस कैसे कर पाऊंगी। तो थैंक्स फॉर नागोसी शुक्ला सर एंड एनआईसी टीम के जिसने मुझे ये मौका दिया, मेरा ड्रीम पूरा करने का ये चांस दिया। तो सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, और सबके घर में कैंगन वाटर आए एंड अच्छी अच्छी वेल्थ भी आए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच चिरंगी मैम। दोस्तों आपने सुना 1 ईयर में 1 करोड़ का टर्न ओवर इन्होंने किया है। एक बार जोरदार डिजिटल टैपिंग हो जाए मैम के लिए। अमेजिंग मैम, व्हाट अ पावरफुल लेडी शी इज। नेक्स्ट मैं और लास्ट में एक दो शेयरिंग लेना चाहूंगी। दोस्तों आप एसेट्स टाइप कर सकते हो चैट बॉक्स में। ओके पिंकी मैम, प्लीज पिंकी मैम आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। पिंकी मैम हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर। मेरा नाम पिंकी ठक्कर है, मैं बड़ौदा से हूँ। और जब मैं बिजनेस की बात करूँ तो आज से 2.5 साल पहले ये बिजनेस मेरे सामने आया था, यानी इसका डेमो देखा था ऑल ऑफ मेरी पूरी फैमिली ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे सन ने, हमने तीनों ने मिलके ये डेमो देखा था। डेमो देखने के बाद पता चल गया था कि इसका पोटेंशियल बहुत बड़ा है और हर घर में कैंगन डिवाइस, मेडिकल डिवाइस है, वो जाने वाला है, ये बात पक्की थी। पर कहीं ना कहीं दिक्कत हमें थी पैसों की, कि कहीं से हम लोग कैसे अरेंज करें, पैसा कहाँ से अरेंज करें। तो मैं ये नहीं बोल रही कि जो मैंने किया वो आप सबको करना चाहिए, पर मैंने मेरी कार जो थी उसको मैंने सेल कर दिया, क्योंकि इसका जो बिजनेस मॉडल जो मैंने देखा था ना, सही में आज तक मैंने कभी भी ऐसा बिजनेस मॉडल देखा नहीं था। और थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज भी थी MLM कंपनी की, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की, इसके लिए मुझे पता था कि इसका पोटेंशियल बहुत बड़ा है। तो हमने कार सेल करके उसके बाद मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, और कार सेल करने के बाद एक ही महीने में मैंने सैलरियो का कार को सेल किया था। उसके बाद मैंने स्विफ्ट ले लिया एक ही महीने में, इतना अच्छा मेरा बिजनेस रन किया। और उसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना के बाद हमने एक ही महीने, यानी कोरोना में मेरे पूरे ग्रुप ने मिलके 50 डिवाइस सेल कर दिए थे कोरोना के टाइम। जूम पे मिलके हमने 50 डिवाइस, मेरी पूरे ऑल ओवर मेरी TVG जो हमारा ग्रुप है, NS ग्रुप है, उन्होंने मिलके हमारा पूरा 50 सेल कर दिया था। तब से मैंने स्टार्ट, जब मैं आप मेरी बात बताऊं तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूं, ऐसा कोई मेरे लिए कोई था नहीं कि मैं उसको 3 लाख का मशीन दे सकती हूँ। पर मैंने वो सब छोड़ के, कौन लेगा, कौन करेगा, कैसे करेगा, वो सब साइड में रख के मैंने सोशल मीडिया के द्वारा इतने सारे मेरे डायरेक्ट खड़े कर दिए। और आज मैं खुद सिक्से हूँ और मेरी पूरी टीम से और 5 सिक्से हैं। और ये सब जर्नी मेरी सिर्फ 2.5 साल की जर्नी है। ऐसा बिजनेस आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेगा। और ऑल ऑफ यू थैंक यू, जो मेरी पूरी मेरी TVG, जो मेरे ग्रोथ लाइन है, मेरी वो मेरी टीम वर्क, जो मेरे अपर लाइन है, वो सारों ने मिलके मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और मेरी सबसे ज्यादा थैंक्स मेरी ग्रोथ लाइन को। सॉरी मैम इंटरप्ट करने के लिए, हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, बट आपने बहुत ही अमेजिंग शेयरिंग किया, वेरी वेरी ब्यूटीफुल शेयरिंग, थैंक यू सो मच मैम। मैं और एक लास्ट शेयरिंग लेना चाहूंगी दोस्तों, वन लास्ट शेयरिंग। सॉरी आप लोग अभी तक हमारे लिए बने रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। कैन वी आशा मैम को इनवाइट करना चाहूंगी। आशा मैम प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू मुझे शेयरिंग का मौका देने के लिए। माई सेल्फ आशा संजय सोंडागर, मैं सूरत गुजरात क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ। मेरे हस्बैंड संजय सर वो पहले जॉब करते थे और हम लोग ज्वाइंट फैमिली है। मैं उसको सपोर्ट करने के लिए
छोटा सा बिजनेस करते थे। बाद हमारे घर में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। मेरी बेटी को पढ़ाने के लिए हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट लेना पड़ा था। 4 साल पहले हमारे पास घर में कैंगन मशीन आया। कैंगन के हमने कैंगन भी किसी के क्रेडिट कार्ड से लिया था, पर थैंक यू कैंगन। कैंगन में आने से हमारे सारे सपने सच हुए हैं। पहले हम छोटे से घर में रह रहे थे, आज हम 2 करोड़ के बंगलों में रहते हैं। हमने हाल ही में फॉर्चुनर कार ली है और मैं हमेशा संजय सर को सपोर्ट करती हूँ। जब भी डेमो करने जाते तो मैं उसकी डेमो किट तैयार करती हूँ। हम लोग घर से भी पहले बहुत पानी शेयरिंग करते थे। मैं हर लेडीज को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि ये अपने घर से भी कर सकते हो यार, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अपने परिवार को संभालते हुए घर से भी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। और आपको जिसने भी यहाँ इनवाइट किया है उसके पास आप बैठ के और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। और मैं थैंक यू पूरी एनएस टीम को कहना चाहती हूँ, मैं नागेश्वर सर को कहना चाहती हूँ और अपने परिवार को कहना चाहती हूँ। थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन आपके नए बंगलों के लिए, आपकी नई कार के लिए और 62-3 रैंक अचीव करने के लिए मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और जैसे कि दोस्तों आपने देखा कैसे ये कैंगन मैम के लिए एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, राइट? दोस्तों आप सभी का ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ओके, इतना पावरफुल प्रोडक्ट है, इतना जबरदस्त बिजनेस है, ओके, और इतना जबरदस्त सपोर्ट है, प्लस हमारे पास हमारा लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम जो कि सुपर 30 के फॉर्म में नागेश्वर सर लेते हैं, राइट? इतनी सारी चीजें हमारे पास है तो आई डोंट थिंक दोस्तों हमें और वक्त लगाना चाहिए। ओके, तो आज ही आप उनको कांटेक्ट कीजिए जिसने आपको इनवाइट किया है, और इन डिटेल में आपको जानना है तो उनके पास बैठिए, पूरा समझिए उसको। ओके, एंड आई गेस इस दिवाली आप सभी के घर में आप डॉक्टर को वेलकम कर सको, डॉक्टर कैंगन को। ओके, सो हमारे पास वक्त ना होते हुए हम इस मीटिंग को यहीं पे एंड करेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच दोस्तों, दिवाली के टाइम पे, संडे के टाइम पे आप सभी ने इतना वक्त निकाला और इस सेशन को अटेंड करने के लिए थैंक यू सो मच। मैं मेरी तरफ से और एनएस इंटरनेशनल टीम की तरफ से आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली एंड अ प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। और इसी के साथ हम इस इवेंट को समाप्त करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।